नमस्कार, मैं अमित एमएनएस न्यूज लाइव में आपका स्वागत करता हूं। देखते हैं आज की खास खबर। किसानों के नागपुर पे क्षेत्र में बनेंगे 4,500 कुएं, पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले इन्होंने कहा। नागपुर पेच कमांड के अंतर्गत किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्ध कराने की दृष्टि से अब 4,500 कुएं की मंजूरी दे दी गई है। पहले पेच के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में कुआं बनाने की अनुमति नहीं थी। सूखे की परिस्थिति होने के कारण यह प्रस्ताव नए जीआर में लाया गया है। यह जानकारी सोमवार को पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले इन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित पत्र परिषद में दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा में कुल मिलाकर 13,000 कुएं बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पेच प्रकल्प के अंतर्गत पानी का भूजल स्तर कम होने के कारण किसानों के लिए कुएं बनाने का निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए करीब 12,000 करोड़ रुपयों की मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को कुएं के लिए सब्सिडी देने के लिए कर्ज माफी के डॉक्यूमेंट्स का आधार लिया जाएगा। जिन किसानों को 7/12 के आधार पर कर्ज माफी हुई थी, उनके डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्हें आवेदन करने पर कुएं की सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने फिर से डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होगी। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।